पैर 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 गया पैर गया। मेरी आदत हो रखी है भाई की, मतलब दिल्ली में रहेगा मैं सुबह खाना खाऊं ना खाऊं चले कर सका है अल्लाह ये आप मतलब खुद कर ना कर रहा है नु का क्या मेरे कैमरे तक करो अपने तो मत करो गलत बात है। हेलो वन क्या हाल चाल है सबके, तो भाई वेलकम टू अनदर व्लॉग। और भाई आज का कैसे ना भाई हमारा, हम जाऊंगे राफ्टिंग करने क्योंकि सुनील भाई साहब ने क्या सुनील ये बोला कि भाई गर्मी बनी हुई है दो तीन घंटे ना, मतलब गंगा मैया के उसमें मतलब पानी में घुसे रहूंगा ना जब जाकर गर्मी दूर होगी, तो मैं बोला कि भाई राफ्टिंग कर लेते फिर। और अभी टाइम भाई 8:30 बजे है, 9 बजे निकल जाऊंगे यहाँ तक। चाय मंगाई, चाय नहीं आई भाई, 20-25 मिनट हो गए चाय बोले नीचे कि भाई चाय दे दो बढ़िया सी। मेरे मामा फ्रेश नहीं आ रहा तो भाई चाय आना करिए, चाय पी के फिर निकलते हैं राफ्टिंग करते, मतलब लग जाएगा भाई हमें 4-5 घंटे 1:30 बजे तक, फिर हम निकल जाऊंगे यहाँ तक, फिर अपना सीधा वहाँ मिलना गया। ब्लॉग तो कल आओगे भाई, तो बाद में पता लगा भाई सबको कि भाई अंकुर आया था, मिलना था भाई अगले दिन आता क्योंकि ब्लॉग। पूरे आधे घंटे के बाद हमारी चाय आई है और ये भाई शुगर अलग था ये कि भाई जिसको जितनी शुगर सी है मामा ज्यादा पिया कर हमारी। ठीक है भाई साहब, भैया मोनू भाई साहब अच्छा काउंट कर रहे हैं, अरे मतलब जितनी बार भी आओ ना इस भाई साहब का एक बार फोन करो कि भाई रूम चाहिए, चन्नी भी होगा ना तब भी भाई साहब अरेंज कर रहे हैं, चाहे कितनी भीड़ हो रही इसी केस में। ठीक है ये भाई अपने हरियाणा से ही है बहादुरगढ़ से और हमारे वीडियोस देखते हैं भैया है। ये क्या मतलब इस होटल का स्टाफ ज्यादातर देखा ना सारे देखे। चलो ठीक है मोनू भाई साहब ओके, तो भी बिना राफ्टिंग के लिए जाऊंगे देखने लग रहे हैं, देखो इधर चलो फिर राफ्टिंग करते हैं। तो भैया आप हमने गाड़ी पार्क कर दी इधर और वो भाई साहब अपनी गाड़ी बुलाया मास्टर जी थोड़े पागल हो रहे हैं, तो अभी देखते हैं भाई कैसे क्या है राफ्टिंग का, क्योंकि लास्ट टाइम आए थे मतलब दो बार कर चुका हूँ इससे पहले, जब पहली बार 400 रुपए लिया था 15 किलोमीटर का, फिर भाई 800 रुपए लिए थे भाई उन्होंने 26 किलोमीटर के, आप देखते भाई कितने लेते हैं। तो भाई ये पीट है अभी फिलहाल क्या ये सिकंजी बोलते हैं इनको है दोस्त छोटा सिकंजी है, क्योंकि वो जो लास्ट टाइम गाना राफ्टिंग कराई थी जिसने वो यूं बोला कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, तब तक उसका वेट करते हैं और फिर यो पी लेंगे वो आ जाओगा, बहुत महंगे महंगे बोला 9-9 किलोमीटर के बोल रहे हैं 800-800 रुपए, तो वो बोल रहा है कि चलो मैं आता हूँ मैं कराता हूँ सही। भाई यूँ बोले कि अपने ना चप्पल मतलब वही रखाओ क्योंकि वहाँ पर गिर जा तेज पानी है, बोल रहे इस बार मतलब ना पानी ज्यादा हो रखा है तो अपने चप्पल वप्पल वहीं रखाओ, और ज्यादा किलोमीटर की नहीं बंद कर रखी है बोल रहे सिर्फ 11 किलोमीटर की ही है, तो 11 किलोमीटर की होगी पर्ची वैसे कटवा ली हमने क्यों गया भाई इसके बाहर ही ध्यान आवा कुछ ना कुछ इप इप के रह गया लोक कर रहा है अरे खोल दी ये खुली है नाना भाई तू तेरा बटन अंगूठा कितनी और था। फाइनली गाइस अभी आ चुके हैं भाई, और एक और बात क्या है कि भाई ये जो भाई है ना आगे बैठे भाई जी देखना पीछे ये हमारी वीडियो देखते हैं, मतलब बैठते पहचान लें बोला कि आप वीडियो बनाते हो ना, मैं बोला हाँ, तो अभी यूं बोल रहे कि 12 किलोमीटर है कितनी देर में आ जाऊंगा वापस तैरते हुए, 1 घंटे में आ जाएंगे बस, तो फिर 1-1 घंटे की ठीक है तो अभी भाई यहाँ से जाने में हमें 20 मिनट लग जाऊंगा 20-25 मिनट फिर आऊंगा आराम से। भाई मामा तैयार हो गया, मामा पहली बार कर रहा है ना, मामा पहली बार कर है ना राफ्टिंग गया दूसरा पहले कद करके गया है यार पहले कद करके पता हमें पहले 2010 में ना सुनील इनके याद दे नहीं यो करके गया है यो करके गया लेकिन मामा ना करेगा है कौन सी मेरी इस महीने की नौकरी है साची का लो इन्हें सारी जोड़ दी कसम नहीं मेरी इस महीने मेरी इस महीने की चौथी भाई पहना दे भाई टाइट हो गया ये हमारे पार्टनर है कौन सी जगह से दोस्त कहाँ से आप लोग राजस्थान में कौन जगह ये कहाँ है जो टोपी टापी पड़ा था नहीं अच्छा, राजस्थान में भी है मेरी वीडियोस देखते बहुत बंदे आप लोगों को पता होगा क्लिप जंपिंग बंदे अभी पता है ऑफिस में नोटिस पड़ा था नहीं वो नोटिस नहीं पड़ा दोस्त देखो नोटिस नहीं पड़ा था लेकिन मैं बता देता हूँ क्लिप जंपिंग अभी बंद है ठीक है क्लिप जंपिंग होने दी 1-2 महीने से बंद है अगले सितंबर में खुलेगी क्लियर हो गया बीच में कितने हो आएंगे झाल कितने रैपिड आएंगे यहां से टोटल 1 घंटे का टाइम इसमें टोटल लगेगा ठीक है गाइस आप सब लोग को अपने मोबाइल पर्स कैमरा वाटरप्रूफ बैग में रख दीजिए तो बीच में एक जगह तो निकाल सकते हैं भाई खाने पीने का नहीं बीच में कुछ है कि लास्ट टाइम आए थे तो जब तो यूं बोल मतलब फोन भी निकाल लिया था हमने बीच में ये भी यूं कहा कि भाई फोन नहीं अलाउड आप चले रहोगे कैमरा
तो उस तले कर सका है अल्लाह ये आप मतलब खुद कर रहा है नुका क्या भाई मेरे कैमरे तक करो अपने तो मत करो गलत बात है यार नहीं मैं नहीं कर रहा हूं आप पूरे रिवर में देख लेना नहीं मैं नहीं कर रहा हूं पूरे रिवर में आप यूं भी तो बोल ना करे थे कि भाई आप पूरे रिवर में देख लेना कोई रास्ते में अगर मिल गया ना कैमरे फोन निकाल के करते हुए फिर हम भी पक्का पक्का ठीक है भाई मैं निकाल लूंगा फिर हैं पक्का फोन मना कर यार मैं पांचवी बार है इस महीने की मेरी अब मेरी तरफ घुमा लो कैमरा मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है भाई अपने एक मिनट तू अपने तक कर मारे तो तुम भाई पता क्या मेरी वो समझने के एक आपस की अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई 2 मिनट के लिए बोल रहा हूं मैं आपको कि भाई 2 मिनट आपने पहले क्लिप जंपिंग करी थी क्लिप में के नहीं तो करना था क्लिप में कूदना कूदना यार बिल्कुल करी थी दिखाऊं वीडियो अभी दिखाऊं 9 दिन पहले की वीडियो अरे फिर हम के कूद देंगे वीडियो तो बना तैयार है अभी क्लिप जंपिंग बंद है देख चल भाई देख ठीक है फाइनली गाइस ये देख लो ये भाई राम झूला ये और उधर भाई पीछे लक्ष्मण झूला था यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर हाँ मामा ये भाई देखो एंजॉय कर रहे हैं एंजॉय बिल्कुल मस्त हाँ भाई फिलहाल राम झूला एक नंबर के मजे आ रहे भाई जिसको भी भाई गर्मी लगती हो मतलब हाँ मतलब एंजॉय करना हो ना तो भाई ऋषि के साथ राफ्टिंग करके जाऊँ मैं भाई 4-5 बार इस महीने मेरा आ चुका हूँ मैं पैर गया तो भाई 1 घंटे में आ गए हम लोग 1 घंटे में आ गए ना पूरे 1 घंटे में आ गए और बाहर आते भाई साहब भेलपूरी दे देंगे बोला भेलपूरी खा लो बढ़िया भेलपूरी तो इनके लिए बनवाई हाँ जी भाई देख राम तो भाई राम ठीक है ये पीछे ठा ले एक बार पीछे इससे दे दे दोस्त दे सबने दे दे सारे दे दे ये पड़े अपने तो रहा कितने हैं तो पैर चढ़ गए देखना गर्म है बिल्कुल वो गाड़ी खड़ी भाई गाड़ी भी गर्म पाओगे ना तो गाइस फिलहाल भाई हम लोग रोड की तरफ आया रोड की तरफ आकर ना हमने ये लिए भाई लीची यहाँ पर मशहूर है ना भाई बताना है लीची बहुत मशहूर है कल की भाई साहब संदीप भाई साहब को लीची खाएंगे तो फाइनली भाई लीची आ चुकी है लाल वाली लीची ली है ना ये देख लो भाई खा लेना है हम लोग भाई दिल्ली में पहुंच गए और एक और बात खास बताऊंगा कि हमने तो खाना खा लिया था भाई रास्ते में राजेंद्र जी तो उस टाइम पर सुनील भाई ने बोला कि मैं नहीं खाऊंगा खाना तो भूख लग रही मामा बताइए इब के रह गया लिया जस्ट नहीं लग रही थी मैंने पासबुक की एंट्री करवा लियो और वो मेरे को ये देख लो भाई कैसे पढ़ा है अब कुछ खाना खाऊंगा भाई इधर है भूख लग रही है और एक कुंडली मॉल में तो चप्पल भी लेनी भाई आगे से ना सोच के जाना ये भाई अंकुर के साथ है क्योंकि वो खला सकता है ये जैसे आज नहीं पता है भाई पता क्या रास्ते में कुछ मिला ही नहीं बढ़िया रेस्टोरेंट भाई ऐसा बताओ 400 किलोमीटर आए तो रास्ते में 400 किलोमीटर लीची थी तो लीची के से लेके यहाँ तक कुछ नहीं मिलता भाई लीची थी लीची भाई लीची खिलाई भाई मैंने आपने देख लीची चकमा ली है 1.5 किलो है ना चलो पकड़िए दोनों ये भाई डोसा खाऊंगे अभी बना दे भूख लग रही है बिल्कुल भाई भाई भूख लग रही बहुत तेज सही बता हाँ मैं ही हूँ पहचान लिया ना हाँ ठीक है ये वीडियो देखता भाई मेरे है ना हाल है यही भाई तो है भाई बढ़िया सा ठीक है मसाला तो बढ़िया होना चाहिए यार तेज भूख लग रही बहुत तेज 300 किलोमीटर के बाद अभी खाना खाया जा रहा है भाई 300 किलोमीटर के बाद ना बीच में लीची खिली थी 1.5 किलो हमारे डोसा आ चुका है मसाला डोसा भाई साहब को भूख लग रही बहुत तेज भूख लग रही है सर इतना भी लग रही है तो अभी खाओगे भाई मामा ये तक नहीं मामा फ्रेश होगा जब भी क्या भाई टाइम हुआ भाई 9 बज गए और हम भाई मतलब भूख लग रही थी सुबह तो कुछ नहीं खाया था बस डोसा खाया था बीच में रास्ते में और अभी क्या भाई हम आया मैंने ढाबे पे खाकर फिर भाई मतलब भाई को छोड़ेंगे मोसे वाले लड़के को फिर मामा और को छोड़कर फिर मैं गोवाना जाऊँगा मतलब सबसे लास्ट में मैं जाऊँगा और मैंने ढाबे पर क्यों इसलिए आया क्योंकि भाई खाना भूख लग रही बहुत तेज पेट भर का खाना है देख लो लाइटिंग ही अलग है
अभी खाऊंगे भाई खाना खाकर फिर निकलूंगा भाई घुमाने के लिए। खाना खाऊंगा सुनील भाई साहब ने बहुत ही कष्ट सहने के बाद खाना मिल रहा है क्या है ना डाले डाले भूख लग रही है माई पे सुबह भाई हमारी आदत हो रही है भाई दिल्ली में रहेगा मतलब सुबह खाना खाओ ना खाओ कोई दिक्कत नहीं है। सुनील परेशान हो रहा बहुत तगड़ा कि ना रोकी क्यों क्या भूख लग रही है सुबह भी लग रही थी अब लग रही है मार आ गया मेरी तना लग रही भाई सुबह की मैं बताऊं भाई सुनील और भाई संदीप का भाई साहब इतनी तगड़ी भूख लग रही है लेकिन क्या कर भाई सारे शर्मा शर्मा में माए नहीं भर रहे। मेरी आदत हो रखी है भाई की मतलब दिल्ली में रहेगा मैं सुबह खाना खाऊं ना खाऊं मम्मा की भी आदत आदत हो रही ना तेरी भी खाता ही नहीं मम्मा भी नहीं खाता भाई नुकर डाइटिंग पर आ मैं ये भाई साहब थोड़ा हा खावा जब वॉशरूम में भाग जाए डोसा खाया था ना जब फिर वॉशरूम में भाग गया मेरा खाना आ चुका ये शाही पनीर है अरे भाई दाल मखनी अरे सिंपल रोटी मंगाए भाई इस बार अरे दे भाई सबका इतनी भूख लग रही है पहले डाल अरे इसका फेवरेट है ये मूर्तल का फेवरेट क्या है ये पाइनएप्पल का रायता पहली बार मतलब खा रहे भाई हम तो और अभी खाकर फिर भाई सब ये भाई छोड़ना है और फिर मम्मा और छोड़ने हैं फिर लास्ट में भाई खा लिया अब सुनील भाई को छोड़ना है घर पर और फिर मामा और को छोड़ूंगा भाई